SA-510 Initial Audit Engagements Opening Balances. One of the most important standards from examination point of view. ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखने से पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या है, यानी कि ये स्टैंडर्ड हमें कब अप्लाई करना है. द एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड और ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर. या तो एग्जांपल लेते हैं लास्ट ईयर से, या तो लास्ट ईयर का ऑडिट नहीं हुआ या तो दूसरे किसी ऑडिटर ने ऑडिट किया है. ये स्टैंडर्ड तब ही अप्लाई होगा. यहाँ पे वर्ड प्रायर पीरियड क्यों यूज किया है, बिकॉज लास्ट पीरियड जिसका या तो ऑडिट नहीं हुआ या दूसरे किसी ऑडिटर ने ऑडिट किया है वो जरूरी नहीं है 12 मंथ्स का पीरियड ही हो. ठीक है, ये स्टैंडर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. दे कैन आस्क यू अ केस स्टडी. फॉर एग्जाम्पल से यू आर एन ऑडिटर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड सिंस लास्ट 3 years, यू आर एन ऑडिट फॉर 4th year और आपको ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट मिलता है, तो यू नीड टू टेल विच स्टैंडर्ड यू नीड टू अप्लाई. ऑन द स्पॉट हमें क्या क्लिक होगा, SA-510 उसके ऑब्जेक्टिव में ही है ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट वगैरह जो करंट पीरियड पे अफेक्ट करते हैं. तो यू नीड टू बी केयरफुल, ये स्टैंडर्ड तब ही अप्लाई करना है, तब ही जब हमारे पास फर्स्ट टाइम ऑडिट आया है किसी कंपनी का, मतलब हम फर्स्ट ईयर ऑफ ऑडिट में हैं. द एंगेजमेंट इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो वो पिछले साल में ऑडिट नहीं हुआ था या तो दूसरे किसी ऑडिटर ने किया था. ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव देखते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है, दो पार्ट में डिवाइड होता है इसका ऑब्जेक्टिव. अगर ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है, कौन सा वाला मिस स्टेटमेंट, जो मटीरियली इफेक्ट करता है करंट पीरियड को, हमें सब मिस स्टेटमेंट से कंसर्न नहीं है, वो ही मिस स्टेटमेंट जो करंट पीरियड को इफेक्ट करता है उसका हमें ऑडिट एविडेंस फाइंड आउट करना है. और दूसरा क्या है, वेदर देयर इज कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो करंट पीरियड में भी यूज किया है, और अगर चेंजेस है तो वो डिस्क्लोज किए हैं. से इन्वेंट्री का हो अकाउंटिंग पॉलिसी, से डेप्रिसिएशन का हो WDV SLM. ठीक है, ये स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट्स. ऑडिट प्रोसीजर, पहले क्या करना है, फर्स्ट रीड मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, से लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रेडिसेसर ऑडिटर्स रिपोर्ट. उसके ऊपर अगर ऑडिट हुआ है लास्ट पीरियड में, दो केसेस है, अगर ऑडिट हुआ है तो प्रेडिसेसर ऑडिटर का रिपोर्ट भी होगा तो वो भी रीड करना है फर्स्ट. सेकेंड क्या करना है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वो बराबर से ओपनिंग में ट्रांसफर हुआ है कि नहीं वो देखना है. डिटरमाइन वेदर प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड. थर्ड, अगर कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो उसका बराबर से एडजस्टमेंट होना चाहिए. वो करंट पीरियड में दिखाया है तो एज एन PPI दिखाओ प्रायर पीरियड आइटम, उसको करंट पीरियड से मिक्स मत करो. फोर्थ, डिटरमाइन वेदर ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट अप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी. जो अकाउंटिंग पॉलिसी लास्ट ईयर में यूज की थी वही रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ओपनिंग बैलेंस में. फिफ्थ, evaluate whether audit procedure performed in current period provide evidence relevant to opening balance. इसका मैं example लेना चाहता हूँ, hypothetical है. से 2nd अप्रैल को current period में 2nd अप्रैल को मुझे sales मिलता है. ठीक है, 100 units का, 100 units product A sale मिलता है और opening balance में है ही 90 units. सो इट इज एन इंडिकेशन, और 1st अप्रैल को कोई परचेस नहीं है. सो इट इज एन इंडिकेशन कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ मिस्टेक है, तो हमें अलर्ट रहने के लिए ये स्टैंडर्ड बोलता है. इफ ऑडिटर ऑब्टेन्स ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट, अगर हमें पता चलता है कि ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट है
तो हमें क्या करना है, परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ऑब्जेक्टिव में देखा हमने, हमें सारे मिसस्टेटमेंट से कंसर्न नहीं है, हमें उस मिसस्टेटमेंट से कंसर्न है जो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करता है, सिर्फ उस मिसस्टेटमेंट से। इफ मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मिसस्टेटमेंट अफेक्ट होता है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो हमें क्या करना है, कम्युनिकेट करना है अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और DCWG को। ठीक है, यहां पे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, और ये है सेकेंड पार्ट, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट क्या अकाउंटिंग पॉलिसी जो ओपनिंग बैलेंस में है वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड है से एसेट्स में, ओपनिंग बैलेंस एसेट के ओपनिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है SLM, क्या करंट पीरियड में भी SLM यूज किया है, अगर नहीं, वेदर द चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर एंड डिस्क्लोज्ड, अगर चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो प्रॉपरली अकाउंटिंग होना चाहिए उसका। लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, दिस पार्ट इज रेड विथ SA-705। पहला, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा, तो या तो हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या डिस्क्लेमर। रेड विथ 705, क्वालिफाइड ओपिनियन तब देंगे जब जिस पार्ट के, जिस ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहा उसका इफेक्ट परवेसिव है तो हमें डिस्क्लेमर देना है, अगर उसका इफेक्ट परवेसिव नहीं है तो हमें क्वालिफाइड ओपिनियन देना है। ये इस स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, कब कौन सा ओपिनियन देना है वो नहीं लिखा है। दिस इज रेड विथ SA-705। सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस कंटेन अ मिसस्टेटमेंट दैट अफेक्ट्स करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज नॉट प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड, यानी कि उसका इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस में, पहला तो मिसस्टेटमेंट है जो करंट पीरियड को अफेक्ट कर रहा है तो उसको हमें करेक्ट करना है, वो अगर करेक्टेड नहीं है यानी कि मैनेजमेंट ने उसको उसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं दिया तो हमें या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या एडवर्स ओपिनियन। क्वालिफाइड अगेन तब देना है जब उसका इफेक्ट, वो मिसस्टेटमेंट का इफेक्ट परवेसिव नहीं है, अगर इसका इफेक्ट परवेसिव है तो हमें एडवर्स ओपिनियन देना है। रेड विथ SA-705। इफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट अप्लाइड कंसिस्टेंटली और चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट डिस्क्लोज्ड, तो सेम क्वालिफाइड और एडवर्स, सेम केस, परवेसिव है तो एडवर्स, परवेसिव नहीं है इफेक्ट तो क्वालिफाइड। ये तभी ही समझेगा आप अगर आपने SA-705 रीड किया है तो। प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड मॉडिफाइड ओपिनियन व्हिच रिमेन्स रिलेवेंट एंड मटेरियल, जो प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रीवियस ईयर बोले या प्रायर पीरियड बोले, उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें मॉडिफाइड ओपिनियन है, यानी कि प्रीडिसेसर ऑडिटर है उसने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो हमें भी मॉडिफाई करना है अपना ओपिनियन। ये क्या ओपिनियन हम देंगे वो डिपेंड करता है प्रीडिसेसर ऑडिटर ने क्या ओपिनियन दिया है। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड हम क्विकली रिवाइज करते हैं। SA-510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इसका सबसे क्रक्स जो है, जहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है इसका डेफिनेशन, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये स्टैंडर्ड कब अप्लाई होता है, जब या तो पिछले साल का ऑडिट नहीं हुआ या तो दूसरे किसी ऑडिटर ने ऑडिट किया है। इसका ऑब्जेक्टिव दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला हमें ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना है कि ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है क्या कोई ऐसा जो करंट पीरियड को अफेक्ट करता है, दूसरा क्या ओपनिंग बैलेंस में जो अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो करंट पीरियड में भी अप्लाई किया है, और अगर नहीं तो उसका
डिस्क्लोजर होना चाहिए चेंजेस का। रिक्वायरमेंट्स, पहला हमें क्या करना है, पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करो, और अगर ऑडिट हुआ है पिछले साल का तो उसके ऊपर जो रिपोर्ट इश्यू हुआ है ऑडिट रिपोर्ट वो रीड करो। दूसरा क्या करना है, प्रायर पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस बराबर से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है करंट ईयर में, वो देखो। तीसरा, अगर कोई करंट पीरियड में प्रायर पीरियड आइटम है तो वो एज अ प्रायर पीरियड आइटम ही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो देखो। फोर्थ, जो लास्ट ईयर में अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई की थी ओपनिंग बैलेंस में भी वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन, ऑडिट प्रोसीजर करंट ईयर का जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तब अलर्ट रहो, आपको हो सकता है कुछ क्लू मिले कि ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है। अगर हमें मिसस्टेटमेंट मिलता है तो हमें एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके ये पता करना है कि वो करंट पीरियड को अफेक्ट करता है कि नहीं। अगर करंट पीरियड को अफेक्ट करता है तो कम्युनिकेट करो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट और TCWG को। सेकेंड पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करो, ओपनिंग बैलेंस कंसिस्टेंटली अप्लाइड है कि नहीं, सॉरी अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाइड है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसके चेंजेस अप्रोप्रिएटली अकाउंटेड है और डिस्क्लोज्ड है। पार्ट, दिस इज रेड विद SA705। पहला, अगर ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग हमें सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाता तो या तो क्वालिफाइड ओपिनियन देना है या डिस्क्लेमर। परवेजिव इफेक्ट है तो डिस्क्लेमर, अगर परवेजिव इफेक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड। ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है जो करंट पीरियड को इफेक्ट कर रहा है और वो मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट ने सुधारा नहीं है, तो अगर परवेजिव इफेक्ट है तो एडवर्स, नहीं है तो क्वालिफाइड। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुआ या चेंजेस है तो वो डिस्क्लोज नहीं हुए तो या तो एडवर्स या क्वालिफाइड। एडवर्स जब परवेसिव और परवेसिव इफेक्ट नहीं है तो क्वालिफाइड। प्रीवियस ईयर में यानी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो हमें भी मॉडिफाई करना है अपना ओपिनियन। दिस विल डिपेंड ऑन प्रेडिसेसर ऑडिटर्स ओपिनियन।